नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों आज हम यहां पर वन सेकेंड, दोस्तों आवाज क्लियर है कि नहीं एक बार बता दीजिए। आवाज क्लियर आ रही है? तो आज हम मेंस लेवल का यहां पर पजल देखने वाले हैं दोस्तों। काफी अच्छे लेवल का पजल है, मंथ बेस्ड वाला जो होता है बिल्कुल उसी प्रकार का पजल है। लेवल इसका मेंस वाला है, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। और कल जो फ्री क्लास होने वाली थी दोस्तों, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास चालू नहीं हो रही थी, तो उसका जो रात वाली 8 बजे वाली क्लास थी वो आज 1:30 बजे होगी। पजल की 1:30 बजे क्लास होगी, तो मिस नहीं करिएगा। और आज शाम को मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लास कल होने वाली थी 7 बजे, तो वो वाली 7 बजे आज मैं ले लूं, 7 से 8। तो इनको मिस नहीं करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। 7 मिनट का समय है आप सभी के पास कंडीशंस को नोट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कंडीशंस को आपको नोट करना है, फिर साथ में बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट करिए, कंडीशंस को, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने ये पहला पैराग्राफ हटा दिया है, ठीक है? वो वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर के बाद, क्योंकि जगह की कमी थी क्वेश्चन के लिए। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने कंडीशन नोट कर ली होगी। करीब 7 मिनट हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको। जिन्होंने भी कंडीशन नोट कर ली है दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो अभी जुड़ रहे हैं आप लोग साथ में मेरे बनाइएगा। तो पहले इसको दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर शुरुआत का एक पैराग्राफ, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है 12 परसेंट नेमली ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो आपको पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ई से लेकर पी तक के जितने भी बंदे हैं ये बॉर्न हुए हैं 4 डिफरेंट मंथ्स में, तो आपको 4 महीनों के नाम दे दिए, जनवरी, मार्च, जून और अक्टूबर, एंड 3 डिफरेंट डेट्स, तो 3 अलग अलग डेट्स भी बता दिया है, 6, 13 और 22, ठीक है, इन द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 2% वर्क इन ईच कंपनी, तो 2% जो है वो हर एक कंपनी में काम करते हैं, TCS, CTS, विप्रो, इंफोसिस, HCL एंड टेक। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कंपनी के नाम दिए हैं, 12% है, हर कंपनी में दो दो बंदे काम करेंगे, ठीक है, टेक महिंद्रा है, ठीक है। ये आगे बोल रहा है, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर्सन नेम स्टार्ट विद वॉवेल वर बॉर्न ऑन 22nd ऑफ द मंथ। भाई जिनका भी नाम जो है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो हमने तो पहले ही इनिशियल लेटर्स ले लिए हैं, तो जो लेटर्स आपके वॉवेल हैं वो पूरे के पूरे क्या बोल रहा है कि 22 तारीख को ही बॉर्न हुए होंगे। तो यहां पर आपको कौन कौन दिख रहा है, एक तो है ई, उसके बाद है आई और ओ, तो ये 3 लोग जो दिख रहे हैं आपको ये 22 तारीख को बॉर्न हुए हैं। अब 4 महीने में भाई 4 22 तारीख होती है, उन 4 में से एक को छोड़कर बाकी 3 में तो ये लोग आने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, और हम इसका सबसे पहले यहां पर अरेंजमेंट बनाएंगे। तो अरेंजमेंट में कौन कौन से मंथ दिए, पहले तो डेट्स देख लेते हैं, 6, 13 और 22, तो इसको सबसे पहले नोट करते हैं हम, 6, 13, 22, 6, 13, 22, 6, 13, 22, 6, 13 और 22, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं कि कौन कौन से मंथ आपको दिए हुए थे, तो मंथ आपको यहां पर दिए हुए हैं जनवरी, मार्च, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, जून, अक्टूबर, तो ये आपको दिए हुए हैं। अब इसमें कितने कितने दिन हैं इसका कुछ यूज है क्या, थोड़ा सा यहां पर एक नजर घुमा लेते हैं क्वेश्चन पर थोड़ा, तो फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो टोटल नंबर ऑफ डेज भी लिख लेंगे हम यहां पर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अच्छा, आप लोगों के नाम जो थे वो कहां से कहां तक थे, ई से लेकर थे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, जिसमें से ई आई और ओ जो है वो 22 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो ई आई ओ ये तीनों के तीनों 22nd को ही बॉर्न होंगे, ठीक है, किसी भी मंथ में हो सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, एच इज एल्डर देन एट मोस्ट 2%, मतलब कि
क्या बोल रहा है आपको? एच इज एल्डर देन, एल्डर मतलब कि बड़ा है, बड़ा मतलब कि भाई एज में बड़ा कौन होता है? जो पहले बॉर्न होता है, मतलब ऊपर जो पहले बॉर्न होगा वही तो एल्डर होगा, वही तो एज में बड़ा होगा। तो भाई जो भी पहले बॉर्न हुआ है, आपको बोल रहा है एच इज एल्डर देन एट मोस्ट 2%, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स, एट मोस्ट मैक्स टू मैक्स 2% से बड़ा है। कौन? एच। तो भाई एच कहां कहां पर आ सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एच कहां कहां पर आ सकता है? आवाज क्लियर है कि नहीं दोस्तों, एक बार बता दीजिए। कंडीशंस नोट हो गई है ना सबकी? ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल। कुछ लोगों को इसी में डाउट था, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कंडीशंस नोट करते समय। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? ऊपर होना चाहिए, पर मैक्स टू मैक्स 2 लोगों से, मतलब अगर 2 लोगों को छोड़ देंगे तो एच यहां, मैक्स टू मैक्स 2 बोला है ना, यानी कि एच यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब ये तो कंफर्म है कि एच अक्टूबर में ही आएगा, तो यहां पर भाई इसको तो कंफर्म हम लिख देते हैं कि भाई एच का तो डन है कि वो आने वाला है अक्टूबर के महीने में, खत्म बात। आगे चलते हैं। आगे आपको बोल रहा है 4% वर बॉर्न बिटवीन एच एंड के, 4% होने चाहिए एच और के बीच में, लिख देते हैं एच, 1, 2, 3, 4 छोड़कर ये हो गया के। अब बोल रहा है आपको ओनली द पर्सन हु आर वर्किंग इन एच सी एल वर बॉर्न ऑन द सेम मंथ, सिर्फ और सिर्फ एच सी एल वाले ही सेम मंथ में होंगे, तो एच सी एल ये सेम मंथ में होंगे दोनों पर्सन, सिर्फ और सिर्फ एच सी एल वाले ही सेम मंथ में होंगे, बाकी सब अलग अलग होंगे, ऐसे ही कुछ कहना चाह रहा है ये, बाकी तो बाद में पता चलेगा। आगे बोल रहे द वन हु वर्क्स इन टेक महिंद्रा वॉज नॉट बॉर्न इन जनवरी, तो जनवरी के महीने में टेक महिंद्रा वाला नहीं है, तो यहां पर टेक लिख के क्रॉस कर देते हैं, टेक महिंद्रा वाला यहां पर नहीं आएगा। एफ वर्क्स इन इंफोसिस एंड यंगर देन ओनली 3%, भाई यंगर मतलब छोटी, यंगर मतलब छोटा, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि एफ वर्क्स इन इंफोसिस एंड यंगर देन ओनली 3%, तो भाई सिर्फ 3% से छोटी है, बाकी लोगों से तो बड़ी है, मतलब कि एफ यहां पर आ जाएगी। तो ये नाम हो गए। अब इसकी कंपनी का नाम क्या था भाई? इंफोसिस, यहां पर लिख देते हैं इंफोसिस। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा सभी को, सभी का बन गया होगा। आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है आपको, 1% बॉर्न बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 1% है, तो भाई जी के लिए कौन कौन सी जगह बनती है? एक छोड़कर यहां पर, या फिर एफ से एक छोड़कर जी यहां पर, और तो कोई जगह है ही नहीं। 1% बॉर्न बिटवीन एफ एंड जी, यहां तक हो गया। पर्सन हु आर वर्किंग इन सीटीएस वर बॉर्न ऑन ऑड नंबर डेट, सीटीएस वाले जो है वो ऑड नंबर की डेट पर होंगे, तो यहां पर लिख देते हैं सीटीएस ऑड डेट। आगे बोल रहे देर आर एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन के एंड जी एज बिटवीन एफ एंड पी, के और जी के बीच में जितने भी लोग होंगे, के और जी के बीच में जितने भी लोग होंगे उतने ही पर्सन होंगे एफ और पी के बीच में। अगर के और जी के बीच में 3 लोग हैं तो एफ और पी के बीच में भी 3 लोग होंगे, 2 हैं तो 2 होंगे, 1 है तो 1 होगा। आगे बोल रहे हैं दोस्तों एल वर्क्स इन विप्रो एंड वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, तो यहां पर डेज का काम आ गया भाई, तो डेज के लिख लेते हैं यहां पर कितने कितने दिन का है। जनवरी जो है वो 31 दिन का होता है, मार्च जो है वो भी 31 दिन का होता है। हमको कौन सा बोला था भाई इसमें, कहां गया, इवन नंबर ऑफ डेज की बात किया, मतलब जनवरी मार्च में तो नहीं है, जून 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, मतलब कि डेफिनेटली भाई जून पे ही आएगा। एल वर्क्स इन विप्रो एंड वॉज बॉर्न इन द मंथ विच इज हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, तो एल यहीं पर आने वाला है भाई, कंफर्म है कि एल को यहीं पर आपको रखना है। और एल कौन सी कंपनी में काम कर रहा है भाई? विप्रो में काम कर रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं एल विप्रो। आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, 3% वर बॉर्न बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में 3% है, एल और एम के बीच में 3% है, यहां पर बना लेते हैं 1, 2, 3 छोड़कर ये हो गया एम। और क्या बोल रहे हैं, एन वर्क्स इन सीटीएस, एन जो है वो सीटीएस में काम करता है, तो ये सीटीएस तो आपने लिखा हुआ है, यहां पर हम लिख देते हैं एन। अब बोल रहे हैं एम वॉज बॉर्न आफ्टर के, एम जो है वो के बाद बॉर्न हुआ है, तो यहां पर इसको भी हम बना देते हैं भाई, एम जो है
वो के नीचे होना चाहिए। एम वॉज बॉर्न आफ्टर के। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जे एंड आई। जे और आई के बीच में एक पर्सन है, तो इसको भी बना लेते हैं भाई। यहां पर जे और आई के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, और ये वाली अलग कंडीशन है। थ्री पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड वन हु वर्क इन टेक महिंद्रा। थ्री पर्सन वर्क बिटवीन, थ्री पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड वन हु वर्क इन टेक महिंद्रा। तो भाई टेक महिंद्रा वाला तो यहां पर नहीं आना चाहिए बोला है, टेक महिंद्रा वाला यहां पर नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको यहां पर क्या बोल रहा है, थ्री पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड वन हु वर्क इन टेक महिंद्रा। मतलब कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जी एक दो तीन छोड़कर जो भी टेक महिंद्रा में काम कर रहा है वो होगा। वन ऑफ द पर्सन हु वर्क इन इन्फोसिस इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। जो भी बंदा इन्फोसिस में काम करता है वो यंगेस्ट है, वो यंगेस्ट है। एफ गलत है, क्या गलत है, एफ क्या गलत है भाई, रानी जी क्या गलत है एफ भाई। एफ एफ के लिए क्या कंडीशन बोला था, एफ वर्क्स इन इंफोसिस, एफ इंफोसिस में काम करती है, ठीक तो है भाई, क्या गलत है इसमें। एंड यंगर देन ओनली 3%, 3% से ही यंगर है, तो 3% से यंगर है, बाकी सारे लोगों से ओल्डर है, बड़ी है भाई। तीन लोगों से छोटी है, बाकी लोगों से बड़ी है, सही तो है कंडीशन, क्या गलत है भाई। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन इंफोसिस इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। जो भी जितने भी लोग हैं, देखिए कमेंट करते जाइएगा, बीच बीच में फ्रीज हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि बंद हो गया, तो कमेंट थोड़ा बहुत हाँ ना करते जाया करिए। तो यहां पर दोस्तों क्या बोल रहा है आपको, वन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन इंफोसिस इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। अगर आपको बोल रहा है कि जो भी एक पर्सन इंफोसिस में काम करता है वो यंगेस्ट है, मतलब यहीं पर आ सकता है भाई, तो यहीं पर रखेंगे इंफोसिस वाले को। तो भाई दो इंफोसिस वाले तो ऑलरेडी हो गए, अब आपको इंफोसिस वाला नहीं लेना है, क्योंकि हर कंपनी में सिर्फ दो ही बंदे काम करते हैं, दो से ज्यादा काम नहीं करते। वन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन सीटीएस वॉज बॉर्न बिफोर कमल। एक पर्सन जो है सीटीएस वाला वो कमल के पहले होगा, तो यहां पर हम इसको ऐसा बना सकते हैं भाई, कमल के ऊपर ऐसे सीटीएस, कमल के ऊपर सीटीएस वाला एक पर्सन है, तो यहां पर एक ऐसा ब्रैकेट में लिख देते हैं कि भाई एक पर्सन सीटीएस वाला कमल के ऊपर होगा। वन हु वर्क्स इन सीटीएस एंड एचसीएल वर नॉट बॉर्न ऑन द सेम मंथ। सीटीएस और एचसीएल वाले जो हैं, सीटीएस एचसीएल साथ में नहीं आने चाहिए, सेम मंथ में, तो यहां पर लिख देते हैं सीटीएस एचसीएल सेम मंथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है दोस्तों, पी इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। पी जो है वो एल्डेस्ट नहीं है, मतलब कि यहां पर पी नहीं आ सकता। और आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, वन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो वॉज बॉर्न ऑन 22nd ऑफ द मंथ। वन ऑफ द पर्सन हु बॉर्न इन विप्रो वॉज बॉर्न ऑन 22nd ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या है भाई, विप्रो वाला जो है वो 22nd को बॉर्न होना चाहिए, कोई एक विप्रो वाला, तो इसको भी हम लिख देते हैं भाई यहां पर, ये हो गया आपका विप्रो। तो विप्रो वाला कोई एक पर्सन 22nd को बॉर्न होना चाहिए। तो ये आपकी सारी कंडीशन हो गई लगभग, नहीं बची है अभी, पी इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, नीदर पी नॉर एम वर्क इन द टेक महिंद्रा, ठीक है। एक कंडीशन बच गई यहां पर, नीदर पी नॉर एम वर्क इन टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में कौन कौन काम नहीं करते भाई, पी और एम दोनों ही काम नहीं करते। ये टेक यहां पर आपने लिखा हुआ है, तो इसी के ऊपर हम लिख देते हैं पी और एम, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा है, याद दिला दीजिएगा, अगर मैं इधर ध्यान नहीं दिया तो याद दिला दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहले तो इसमें कंडीशंस को अलग अलग यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, तब तक आप बताइए जल्दी से कि आप कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर रहे थे। जितने भी लोगों ने बनाया है अपने हिसाब से बताइए, आपको कौन सी कंडीशन लग रही है कि जिससे सेट करना आसान होगा। ठीक है, चलिए मैं भी देख लेता हूं भाई इसमें क्या कर सकते हैं। एफ इंफोसिस तो हो गया है, कंडीशन को मर्ज करिए दोस्तों, दो दो तीन तीन पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, कंडीशंस को मर्ज करेंगे तो ज्यादा आसानी से बनता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है भाई, के जी जी एफ पी एल एम, के नीचे एम होना चाहिए।
एच वाली कंडीशन रिपीट, कौन सी एच वाली, एच वाली कौन सी कंडीशन रिपीट करना है? एच इज एल्डर देन एट मोस्ट 2% बोला है, मतलब कि एच जो है वो यहीं पर आएगा भाई, क्योंकि बोला है वो एट मोस्ट 2%, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2% से बड़ा हो सकता है, मतलब इन दोनों से ही बड़ा हो सकता है और बाकी लोगों से वो छोटा ही है एज में, मतलब बाद में बॉर्न हुआ, तो एच का कंफर्म है कि एच आएगा तो यहीं पर आएगा, ये आपका दोस्तों कंफर्म है कि एच आएगा तो यहीं आएगा, एल आएगा तो यहीं पर आएगा, कंफर्म है ये दोनों चीजें, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों चीजें कंफर्म है। एच और एल की कोई कंडीशन है क्या? एल विप्रो, देखो दोस्तों यहां पर जी की जो दो पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, जी की जो कंडीशन आप लोगों को दिख रही है दोस्तों, अगर हम जी को यहां पर लेते हैं नीचे वाले में, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम जी को यहां पर लेते हैं, एक चीज तो ये दी हुई है जी तीन छोड़कर टेक, कोई अभी एक कमेंट आया बहुत बड़ा सा कि भाई अगर हम जी को यहां पर लेंगे तो तीन छोड़कर यहीं पर टेक वाला चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, जी को अगर हम यहां लेंगे तो तीन छोड़कर टेक वाला यहां नहीं आ सकता टॉप मंथ पे, पर जी को यहां लोगे तो तीन छोड़कर यहां तो टेक वाला आ सकता है, यहां क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना भाई, तो वो कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होगी, आपको दोनों में पॉसिबल केसेस चेक करने पड़ेंगे, देखो दोनों में एक एक ही केस बन रहा है, ज्यादा केसेस नहीं बन रहे, अगर जी को ऊपर लेते हो तो तीन छोड़कर टेक नहीं यहां पर आ जाएगा, अगर जी को यहां लेते हो तो तीन छोड़कर टेक यहां आ जाएगा, ये दो केसेस है, कोई सा भी एक बना सकते हो अगर आप जी से स्टार्ट कर रहे हो तो। और भी पहले दोस्तों अच्छे से कंडीशन को देख लेते हैं, मे भी हो सकता है कि इससे भी अच्छी कोई कंडीशन हमको दिख जाए जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, तो पहले देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करिए उसके बाद स्टार्ट करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, एच वाली कंडीशन से अगर स्टार्ट करते हैं हम, अगर एच वाली कंडीशन से हम स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि एच के लिए हमारे पास ये तीन पॉसिबल केसेस बने हुए हैं जिसमें आपको बोल रहा है मैक्स टू मैक्स जो है एच यहां पर हो सकता है, एच यहां पर हो सकता है, एच यहां पर हो सकता है। अगर दोस्तों एच को हम यहां पर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर मैं एच को 22 पे ले लेता हूं, लेट सपोज ये ब्लैक कलर से मैं जितना भी यहां पर लिखूंगा ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं रेड कर दूंगा उसको, ठीक है, तो एच को अगर मैं यहां पर लेता हूं तो ऑलरेडी 22nd वाले पे एक एच हो गया, बाकी के तीन 22nd वाले पे ई आई ओ होने वाले हैं, मतलब कि जी तो 22nd पे आप ले नहीं सकते भाई, 22 तारीख वाले टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार, आपको पता है कि ये तीन बंदे तो 22 तारीख को होने ही चाहिए, मतलब तीन तो ऐसे ही ब्लॉक हो गया, एक ही 22 वाला बचा है, अब उस 22 वाले में अगर आपने एच को रख दिया तो भाई जी 22 में कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आपको जी को यहां पर लेना पड़ेगा, तो यहां पर जी को ले लेते हैं। अब देखिए एच से आपको पता था कि चार छोड़कर के लेना है, तो एच से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर के हो जाएगा, दूसरी चीज आपको यह पता था दोस्तों कि जी से तीन छोड़कर टेक वाला होना चाहिए, तो जी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर टेक वाला हो जाएगा, इतनी चीजें इसमें सेट कर सकते हैं हम, इतनी चीजें सेट कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों अब क्या दिख रहा है हमको, देखो अब हमको यह दिख रहा है कि के से जी तक जितने भी लोग हैं, के से जी तक जितने भी लोग हैं, तो के से जी तक आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो उतने ही पर्सन एफ और पी के बीच में होने चाहिए, तो एफ से पी के बीच में भी चार होने चाहिए, तो 1 2 3 4 यहां पर पी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एल से तीन छोड़कर आपको एम रखना है,
एल से तीन छोड़कर आपको एम रखना है, तो एल तो इस वाले मंथ में आने वाला है, ये देखो कंफर्म है, यही जगह बचती है एल के लिए, ये हो गया एल। एल से तीन छोड़कर एम, तो एल से तीन छोड़कर नीचे कोई जगह नहीं है, एल से ऊपर एक दो तीन छोड़कर यहीं पर आएगा एम, और कोई जगह नहीं है आपके पास। कुछ गलत हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं वरना आगे बढ़ेंगे। एल वाला विप्रो है, इसमें लिख देते हैं भाई विप्रो, कोई कंडीशन गलत हो रही होगी तो उसको चेक कर लेंगे, और वरना फिर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो ये हो गया भाई के जो है वो, हाँ ये देखो ये कंडीशन गलत हो जा रही है दोस्तों, के से नीचे एम होना चाहिए, के से नीचे एम होना चाहिए, तो भाई के से नीचे नहीं, के से ऊपर आपको एम दिख गया, और कोई कंडीशन इसके अलावा? हाँ आप लोग भी वही बोल रहे हो बिल्कुल। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, के नीचे एम होना चाहिए था, यहां पर तो के ऊपर एम चले गया, मतलब कंडीशन गलत। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, चलो फटाफट दूसरी पॉसिबिलिटी लगाएंगे यहां पर। सेम जैसा हमने स्टार्ट किया ना, वो स्टार्ट आपका सेम ही रहेगा, स्टार्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, आप इस एच को एक ऊपर बढ़ा दो, क्योंकि हमको एक फ्लो मिल गया है इस पजल में कि इसके बाद इसको, इसके बाद इसको करके हम चेक कर सकते हैं, तो एच को यहां पर रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एच के बाद हमने क्या किया था, एच के बाद हमने किया था चार छोड़कर के, तो एक दो तीन चार छोड़कर के, जब यहां पर के आ गया तो जी तो यहां आ नहीं सकता, कॉमन सेंस है भाई, जब के ऑलरेडी आ चुका है तो जी यहां नहीं हो सकता, मतलब जी को तो यही रखना पड़ेगा, तो जी को रख देते हैं। अब जी के बाद दोस्तों आपको पता था तीन छोड़कर टैक है, तो जी से एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो गया टैक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, और कौन सी चीज हमने सेट की थी, के और जी के बीच में अगर तीन लोग दिख रहे हैं, वन टू थ्री, तो एफ और पी के बीच में भी तीन होने चाहिए, तो एफ से एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो गया पी। और कुछ हमने सेट किया था क्या लास्ट वाले में, एल से एम, देखो अब यहां पर ऐसा हो जा रहा है दोस्तों, अगर हम एल को यहां पर रखते हैं, लेट सपोज कि एल को हम यहां पर, देखो एल तो कंफर्म है ना कि इसी वाले में आने वाला है, तो अगर मैं एल को यहां रखता हूं तो एक दो तीन छोड़कर नीचे कोई जगह नहीं है, अगर एल को यहां रखते हैं तो, ठीक है ना, और एक दो तीन छोड़कर ऊपर लेंगे तो भाई एम जो है वो के से ऊपर हो गया, कंडीशन गलत हो रही है। अगर मैं एल को यहां पर लेता हूं तो भाई के से ऊपर तो एम को रख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, ये देखो ये वाली कंडीशन देख रहा हूं मैं, एल और एम वाली, अगर मैं एल को यहां रखता हूं तो के से ऊपर तो आप एम को ले नहीं सकते, तो के से नीचे ही लेना पड़ेगा, मतलब कि एल से एक दो तीन छोड़कर एम यहां नहीं आ पाएगा, कंडीशन ये वाली भी आपकी गलत हो गई। तो लास्ट बची वो आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, लास्ट जो बच गया वो आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, चलो बना लेते हैं भाई उसको फटाफट। तो भाई अब एच को रखेंगे यहां पर, एच से वन टू थ्री फोर छोड़कर यहां पर हो गया के, ये वाली कंडीशन हो गई, इसको काट देते हैं। अब देखिए क्या चीज सेट कर सकते हैं भाई, अब जी को आपको एक जगह कहीं ना कहीं पर रखना पड़ेगा, या तो आपको 22 तारीख को रखना पड़ेगा जी को, या तो 13 तारीख को रखना पड़ेगा जी को, ठीक है। तो चेक करते हैं के और जी के बीच में जितने एफ और पी के बीच में उतने, तो पी ऊपर चले जाएगा अगर के जी को हम यहाँ पर रखते हैं तो, ठीक है, जी तीन छोड़कर टेक, के नीचे एम, सी टी एस एच सी एल एक महीने में नहीं होने चाहिए, एल वी प्रो जे एक छोड़कर आई, ई एल यू 22 वाले में होने चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी कंडीशन आपको दिख रही है, सिर्फ जी दिख रहा है मुझे, आप लोगों को अगर कुछ और डिफरेंट दिख रहा है, अगर ऐसा लगता है कि नहीं जी के अलावा भी कोई कंडीशन है जिसको हम सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पी गलत लिए थे पहले वाले में, कहां पर पहली वाली कंडीशन तो गलत हो गई ना, पी तो अभी रखे ही नहीं है यार, कंडीशन गलत हो गई ना। अब देखो दोस्तों आप लोगों के पास यहां पर दो केसेस बनते हैं भाई, जी का ये कोई सा भी ले सकते हो, देखो कायदे से बोला जाए तो मैं तो जी को यहां बोलूंगा मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से, बट
मान लेते हैं कि यहाँ है जी, तो जी को पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं। लेट सपोज अब जी को हम चेक कर रहे हैं, तो पहले के और एच को मैं फिक्स कर देता हूँ क्योंकि वो एकदम 100% फिक्स है हमारे। तो एच ये फिक्स है, के ये फिक्स है। अब जी वाले को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये जी को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या होगा भाई, जी से टेक आपको नीचे ही लेना पड़ेगा, तो एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर हो गया टेक। चेक करते जाओ सही है कि गलत। अब दोस्तों इसके अलावा अगर अब हम देखें तो L से आपको क्या रखना है, M, जो कि आपको नीचे की तरफ ही रखना है। L को आप यहां पर रखोगे तो तीन छोड़कर नीचे M नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। L को यहां रखोगे तो तीन छोड़कर M यहां हो जाएगा इन्फोसिस में। L को यहां रखोगे तो तीन छोड़कर M यहां हो जाएगा, ये चीजें पॉसिबल है। और देखो भाई और क्या बनता है, K से G के बीच में कुछ नहीं है तो F से P के बीच में भी कुछ नहीं होगा, मतलब कि F से P यहां पर आ जाएगा और तो कोई जगह ही नहीं है। अब देखो दोस्तों इससे भी आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि आपके 22 तारीख में दो लोग दिख गए, एक जी दिख गया एक पी दिख गया, बट आपको पता था कि 22 तारीख में ई आई ओ यानी कि तीन पर्सन होने ही चाहिए, तो कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो चुकी है आप लोगों की, यहां तक क्लियर है। एफ पी रॉन्ग हो जाएगा, आईओ यू, हाँ बिल्कुल वही चीज बोल रहा हूं मैं कि भाई जैसे ही हम यहां पर P को रखे तो P भी 22 में हो गया, G भी 22 में हो गया। अब आपके पास 22 तारीख वाले सिर्फ दो बच रहे हैं और ये तो आपको तीन लोग चाहिए थे, मतलब कंडीशन गलत है। तो G को आप ऊपर लो, खत्म क्वेश्चन। G को ऊपर लो और क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है भाई। यहां पर ये आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। ये टैग को भी हटा देता हूं पहले मैं। G से एक दो तीन छोड़कर ये हो गया टैग। अब देखो दोस्तों K और G के बीच में कितने दिख रहे हैं आपको, K और G के बीच में दो दिख रहे हैं, तो F और P के बीच में भी दो होने चाहिए, तो F से दो छोड़कर P आप यहां पर नहीं ले सकते, तो F से नीचे की तरफ ही P आपको लेना पड़ेगा यहां पर। अब आपको यह चीज भी पता है कि भाई L अगर आप यहां पर रखते हो तो भाई तीन छोड़कर आप M को यहां नहीं रख पाओगे और L से तीन छोड़कर आप M को नीचे भी नहीं रख पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो L सिर्फ यहीं पर आएगा, एक दो तीन छोड़कर M सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगा, ये वाली कंडीशन के हिसाब से। L तीन छोड़कर M और M जो है वो K से नीचे होना चाहिए। तो इतनी चीजें हो गई भाई हमारी। ये G टैक वाला हो गया, इसको काट देते हैं। ये KGFP वाला हो गया और कौन सा हो गया भाई, ये वाला हो गया, JI वाला बचा, इसको देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। सिर्फ ये कंडीशन दिख रही है। L विप्रो होना चाहिए तो L विप्रो को यहां पर सेट कर देते हैं। L जो है ये हो गया विप्रो, ठीक है। अब क्या बचा है भाई आपके पास, एक विप्रो 22 तारीख को आना चाहिए, तो 22 तारीख में हमारे पास दो जगह बची हुई है। एक विप्रो या तो यहां पर आ सकता है या तो विप्रो यहां पर आ सकता है। आपको बोला क्या गया था दोस्तों, एक कंडीशन आप लोगों को याद है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि भाई आप लोगों को यह बोला था कि HCL को छोड़कर कोई भी कंपनी वाले साथ में नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन थी ना। हाँ या ना, जल्दी बताइए। एक कंडीशन कुछ इस प्रकार की थी ना कि भाई एक मतलब HCL को छोड़ के कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, सेम मंथ में नहीं होना चाहिए, बोला था ऐसा आपको। हाँ या ना, जल्दी बताओ, बोला था ना। तो भाई देखो, जब ये आपको यहां पर ऑलरेडी बोला है कि विप्रो वाला एक पर्सन जो है वो 22 तारीख को आना चाहिए, तो भाई इस वाले 22 तारीख में तो टेक हो गया, इस वाले 22 तारीख में तो इंफोसिस हो गया, इस वाले 22 तारीख पे आप विप्रो ले नहीं सकते क्योंकि दोनों विप्रो एक ही मंथ में नहीं होंगे, तो सिर्फ यही वाला 22 बचता है, विप्रो को यहां पर सेट कर दो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी हो गई कि एक विप्रो जो है वो 22 तारीख को है। अब देखिए दोस्तों और कौन सी कंडीशन आपको दिख रही है इसके अलावा, भाई जी हो चुका पी हो चुका, इनको काट देते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। अब बचता है यहां पर के ऊपर एक सीटीएस वाला होना चाहिए, मतलब के ऊपर एक सीटीएस वाला इन दोनों जगह में से किसी एक पर होगा। फिलहाल के लिए यहां पर रख देते हैं भाई सीटीएस, सीटीएस कहीं पर भी हो सकता है, हमको नहीं पता, कोई एक होगा, ठीक है। और सीटीएस वाला एक पर्सन एन है, सीटीएस वाला एक पर्सन एन है और ऑड डेट में, ये देखो यहां इसको बना सकते हैं हम। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है आप लोगों को कि भाई सीटीएस वाले जो हैं वो ऑड डेट में ही होने चाहिए। तो भाई सीटीएस वाला जब 6 तारीख और 13 तारीख दिख रहा है तो कौन सी तारीख होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि सीटीएस कहां पर आएगा। वो दो आपको पता था ना कि भाई 6 तारीख 13 तारीख, आपको दो चीजें दिख रही है, 6 तारीख या 13 तारीख, ठीक है। तो आप लोगों को बोला है कि ऑड डेट में ही होना चाहिए सीटीएस। ये देखो सीटीएस वाले दोनों के दोनों ऑड डेट पे होंगे,
और के से ऊपर एक सीटीएस होना चाहिए। तो भाई के के ऊपर सीटीएस के लिए दो जगह दिख रही है जिसमें से सिर्फ 13 ही ऑड है, तो यहीं पर होगा सीटीएस कंफर्म। दूसरा सीटीएस कौन है? एन है। दूसरा सीटीएस एन है, तो भाई अब दूसरे सीटीएस को कहां रख सकते हो? सीटीएस एन, दोनों चीजें रखनी, मतलब दोनों स्पेसेस खाली चाहिए। ये दोनों स्पेसेस खाली है लेकिन ये इवन है। उसके बाद देखो इसमें भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है, यहां पर यहां नहीं रख सकते। ये देखो ये दोनों स्पेसेस खाली है लेकिन ये भी इवन है, ये दोनों स्पेसेस खाली है और ये ऑड है, और हमको सीटीएस ऑड डेट पे ही चाहिए था, मतलब कंफर्म हो जाएगा एन और सीटीएस, हाँ या ना? जल्दी से इतना चेक करके बताइए सही है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों। सही है ना यहां तक? तो भाई सीटीएस एन ऑड डेट ये वाला हमारा हो गया, इसको काट देते हैं। अब क्या बच गया भाई? के ऊपर सीटीएस, ये भी हो गया। यहां तक की सारी कंडीशन ये सब हो चुकी है। ई आई ओ 22nd में सेट करना है, एच सी एल वाले को सेम मंथ में सेट करना है। तो सेम मंथ में रखने के लिए आपके पास कौन सा मंथ दिखता है? इस वाले मंथ में आप दो एच सी एल नहीं रख पाओगे क्योंकि ऑलरेडी दो जगह फिल है। इस वाले मंथ में आप दो जगह पे एच सी एल नहीं रख पाओगे क्योंकि ऑलरेडी दो जगह फिल है। इस वाले मंथ में आप एच सी एल नहीं रख पाओगे क्योंकि दो जगह ऑलरेडी फिल है। सिर्फ यही वाला मंथ बचा है जहां पर आप एच सी एल और एच सी एल रख सकते हो, तो यहां पर रख देते हैं भाई एच सी एल, एच सी एल हो गया। ये वाली कंडीशन भी हो गई कि एच सी एल वाले दोनों सेम मंथ में होने चाहिए, काट देते हैं इसको। अब देखो दोस्तों आपके पास और क्या बचा है? एक चीज बची है कि जे से एक छोड़कर आई होना चाहिए, जे से एक छोड़कर आई होना चाहिए। तो जे और आई के लिए दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है, और तो कोई जगह है ही नहीं। जे से एक छोड़कर आई होना चाहिए और यही दोनों जगह दिख रही है। तो भाई आपको तो पता है ना कि आई जो है वो 22nd में होना चाहिए, तो आई यहीं पर आएगा, जे यहीं पर आएगा, और कहीं जगह नहीं। आप देख लो जे और आई के लिए और कोई जगह नहीं बन रही है। पहले आप देख लो, उसके बाद मैं सेट करूंगा, पहले कंफर्म हो जाओ, वरना फिर बाद में डाउट आते हैं कि सर कैसे कैसे। तो भाई पहले ही देख लो कि जे से एक छोड़कर आई था, आपको सिर्फ यही जगह दिख रही है एक छोड़कर, और आप कंफर्म हो कि आई 22 को ही रखना है, तो आई को ही यहां पर रखोगे, जे को ऊपर ही रखोगे और कोई भी जगह नहीं है। तो ये हो गया भाई आई, ये जे, यहां तक आपका हो चुका है। अब देखिए दोस्तों एक दूसरी चीज क्या बचा है? आपने अभी तक टेक महिंद्रा को सिर्फ एक बार लिया है, आपने अभी तक टेक महिंद्रा को सिर्फ एक बार लिया है, और टेक महिंद्रा जो है वो यहां पर नहीं आ सकता। इस महीने में जब ऑलरेडी टेक महिंद्रा हो चुका है तो दूसरा टेक महिंद्रा यहां पर नहीं आ सकता, तो इसके अलावा सिर्फ यही तो जगह बच रही है टेक महिंद्रा के लिए, रख दो यहां पर। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, टेक महिंद्रा यहां पर नहीं आ सकता इस वाले मंथ में। इस मंथ में टेक जो है ऑलरेडी एक बार हो चुका है तो दूसरी बार नहीं आ सकता, इसके अलावा सिर्फ यही जगह बची थी, तो टेक वहां पर रखे, खत्म करो उसको। अब क्या बच गया भाई आपके पास? आपके पास इंफोसिस वाले दोनों हो चुके हैं, विप्रो वाले दोनों हो चुके हैं, सीटीएस वाले दोनों हो चुके हैं, एचसीएल वाले दोनों हो चुके हैं। तो अब आपके पास कौन सा नाम बचा है दोस्तों? एक कौन सी कंपनी का नाम बचा था, जल्दी से बताइए कौन सी कंपनी का नाम था भाई? देख लेते हैं यहां पर, टीसीएस बचा है मेरे ख्याल से, सिर्फ टीसीएस बचा है जो कहीं भी नहीं हुआ। तो यहां भी टीसीएस, यहां भी टीसीएस, क्योंकि अभी तक टीसीएस का नाम कहीं भी नहीं आया है, तो ये भी टीसीएस, ये भी टीसीएस, तो नाम तो पूरे के पूरे सेट हो गए। अब आपको बस ये पता करना है दोस्तों कि ई और ओ में से ये दोनों जगह पे कौन आएगा, कौन आएगा ई और ओ में से, कौन आएगा? कोई कंडीशन दिख रही है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, और नहीं तो फिर ये इधर और बनना चाहिए। एक बार चेक करिए जल्दी से और बताइए। अगर मैंने कुछ मिस नहीं किया है, क्योंकि ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई, अगर मैंने कुछ उसमें मिस नहीं किया है तो डेफिनेटली ई और ओ का ऑब्लिक बनेगा, और अगर कुछ मिस किया हूं तो एक बार चेक करके बता दीजिए। ये भी हो गया है ना, क्योंकि सीटीएस एचसीएल दोनों सेम मंथ में नहीं है। इधर हो रहा है सभी का पक्का? तो भाई ई और ओ का कंफर्म हो गया कि भाई ये ई ऑब्लिक ओ, ई ऑब्लिक ओ। इसी के साथ दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूं सभी ने बनाने की कोशिश की होगी, ट्राई किए होंगे। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो, और बने रहिएगा इस चैनल पर ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस देखने हैं। आप नॉर्मली YouTube पे सर्च कीजिएगा अंकुश लांबा करके, आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप सारे वीडियोस देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सीख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं हम, सही है या नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिए, चेक करके जल्दी से बताइए दोस्तों सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए क्योंकि एक एक कंडीशन हमने बारीकी से चेक की है। SBI क्लर्क मेंस का लेवल है ये, RBI असिस्टेंट मेंस का लेवल है, RRB PO मेंस का लेवल है, RRB क्लर्क मेंस का लेवल, मतलब ये सारे लेवल लगभग लगभग सेम रहते हैं। 19-20 का फर्क होता है, दो चार क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में फर्क हो जाएगा, जैसे किसी में अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो किसी में 5 का आ जाएगा, किसी में 4 का आ जाएगा, बस यही डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस आपको दिखेगा IBPS PO और SBI PO में, वहाँ के लेवल थोड़े खतरनाक होते हैं, वो सब लेवल भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, पहले ये सब मेंस हो जाए, पहले क्लर्क का और RBI का। सब सही है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों सेशन को खत्म करते हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर मेरी वहाँ पर मेंस लेवल की क्लासेस होती रहती हैं, काफ़ी सारे मेंस लेवल के कोर्सेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और आपको कंटेंट नहीं मिल रहा या आपको सीखने को नहीं मिल रहा नए नए टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना चाहिए, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर वहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं। 1 ईयर या फिर 2 ईयर आप ले सकते हैं। और दोस्तों अभी फ्री क्लास है 1:30 बजे, तो मिस नहीं करिएगा। कैसे देख रहा है मैं अभी जस्ट बताऊंगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं ये 1:30 बजे की फ्री क्लास आप कैसे अनअकैडमी पर देख सकते हैं मैं बताऊंगा, तो वेट करिए थोड़ा सा। 1 ईयर 6000 की फीस है इसमें, इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाला AL10। और आप सारे टीचर्स की सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस देख सकते हैं, A to Z कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। चलिए तो इसको दोस्तों खत्म करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप लोग देख सकते हैं फ्री क्लास। अनअकैडमी की वेबसाइट पर दोस्तों आपको जाना है, जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहां पर मेक श्योर कि आप बैंक एग्जाम को सिलेक्ट किए हुए हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये अलग अलग मंथ का है, रिकमेंडेड मैं बोलूंगा कि 12 मंथ, अगर आप बिगिनर हैं तो 24 मंथ। यहां पर आप कोड लगा सकते हैं AL10, तो इससे आपका जो अमाउंट है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ डिस्काउंट हो जाता है, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करके इसको ले सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन करने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पर सर्च करना है। सर्च में आप जाकर मेरा नाम लिख दीजिए, अंकुश लांबा, मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, इस प्रोफाइल पर जाइए, फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। ये है मेरे कोर्सेज जो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद देख सकते हैं, सी ऑल करके करीब 30 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, ये अभी ऑनगोइंग कोर्सेज है जो अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये है फ्री क्लासेस दोस्तों, आपको इस पे जाना है अभी 1:30 बजे, और ये सी ऑल करके यहाँ पर जो ये वाली क्लास है ये अभी होगा, ये वाली क्लास आज होगी, तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, 1:30 बजे होने वाली है, मिस नहीं करिएगा। शाम को अगर क्लास में लेने वाला होऊंगा तो मैं इसी क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और ऐसे ही चलाती रहिए तैयारी अपनी, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।